नमस्कार दोस्तों, मुस्कान हुनर आर्ट में आज एक और हुनर के बारे में जानते हैं। अगर आपके पास गोल तकिया है तो वेस्ट क्लॉथ से आप कैसे उसका यूज़ कर सकती हैं, वेस्ट क्लॉथ से आप कैसे उसका कवर बना सकती हैं, ये आज हम सीखते हैं। अगर आपके पास बेकार सलवार पड़ी है तो उसका यूज़ आसानी से इसमें किया जा सकता है। इस तरह की सलवार है जिसमें नीचे ये मोहरी के पास प्लेट्स पड़ी होती हैं, जिसे मर्जीना सलवार भी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, इससे ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। अगर नहीं है इस तरह की सिंपल सलवार है तो उसका भी यूज़ आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी तकिया की लंबाई और गोलाई देख लेते हैं। लंबाई नापने के लिए जो यहाँ का पोर्शन होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना इंच टेप लगा के यहाँ से पूरा नीचे इधर की तरफ लगा लेते हैं। तो ये 25 इंच इसकी लंबाई पड़ रही है। और इसकी गोलाई देख लेते हैं कितनी होती है। इसकी गोलाई 22 इंच, ये 22 इंच है। थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, 23 इंच करते हैं, क्योंकि सिलाई में भी कुछ भाग निकल जाता है, दब जाता है, इस वजह से इतनी 23 इंच पे इसकी गोलाई ले लेते हैं। तकिया की लंबाई 25 इंच है तो 2-2 इंच बढ़ा के कपड़ा लेते हैं, क्योंकि 1-1 इंच किनारे सिलाई में चला जाता है जिसमें कि डोरी पड़ती है। ये ऊपर वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, ऊपर वाला आसन वाला भाग पहले काट के निकाल देते हैं, या सिलाई इसकी खोल के इसको अलग कर लेते हैं, और फिर यहाँ से लंबाई लेते हैं। तो ये लंबाई हम ले रहे हैं 25 इंच, तकिया की 25 है तो 2-2 इंच बढ़ा के ले लेते हैं, 27 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये निशान आप चौक से लगा सकती हैं, पेन या पेंसिल किसी भी चीज़ से यहाँ पे एक निशान नाप लगा लीजिए। निशान लगाने के बाद इस पोर्शन को काट के अलग कर लेते हैं, और फिर नीचे का भाग जो होता है, साइड वाला भाग जो होता है, ये साइड वाला भाग, इसको भी बराबर से निशान लगा के इसको भी काट के अलग कर लेते हैं, एक बराबर भाग निकाल लेते हैं, एक बराबर भाग काट के निकाल लेंगे। अब ये जो आपके ऊपर का आसन वाला पोर्शन है, ये पोर्शन हम इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि जब ये किनारे से हमने कपड़ा निकाल लिया है तो कपड़े की चौड़ाई पतली पड़ जाएगी। 11 इंच आ रहा है, यानी 22 ये मुड़ा हुआ है, इसलिए 22 इंच पूरी चौड़ाई है इसकी, और हमारी तकिया की चौड़ाई 22 एकदम है, लेकिन 1-1 इंच और थोड़ा हमको बढ़ा के करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा थोड़ा ढीला कवर सही रहता है, डालने में भी आसानी रहती है, देखने में भी अच्छा लगता है। इतना काट के निकाल लेने के बाद जो ये आसन से कपड़ा निकला होता है, उस कपड़े से भी हम कितनी चौड़ाई, पहले ये देख लेते हैं। ये 7 इंच की चौड़ाई है इसकी, ये लंबाई इसकी 7 इंच की है। ये जो आसन वाला भाग है इसको देख लेते हैं कितनी इसकी लंबाई है, ये 7 इंच की लंबाई है, तो हम इसका आधा ले लेते हैं, हम इसको 5 इंच की लंबाई का काट के और इधर जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद पहले पूरे कपड़ों में किनारे जो है 1-1 इंच पे सिलाई कर लेंगे, इसको मोड़ के यहाँ पे मोड़ के डोरी वाला भाग बना लेते हैं, 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इतना मोड़ के ये है, ये 1 इंच पे निशान लगा लिया दोनों साइड से, इसको मोड़ के यहाँ से मोड़ के सिलाई कर लेंगे, जिससे डोरी वाला भाग बन जाएगा। दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे, और जब डोरी डालेंगे इसमें तो ये खुद ही चूनट बन जाता है। इस तरह की सलवार में प्लेट्स पड़ी होती हैं तो इसमें कपड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हमको काटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप देख लें कि आपकी मोहरी कैसी है, एकदम सिंपल अगर मोड़ी हुई है, इस तरह से खुल सकती है आसानी से, तो फिर नीचे सिलाई इधर की साइड में मोड़ के सिलाई नहीं करेंगे, फिर ऊपर हम ऊपर की साइड में सिलाई करेंगे। इसकी भी लंबाई हम 25 इंच, हमारा गोल तकिया की लंबाई है तो इसको 26 इंच, 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि नीचे का तो मोहरी की साइड में तो बना हुआ ही है, ऊपर की साइड का केवल बनाएंगे, तो ये 26 इंच, 26 इंच पे निशान लगा लेंगे। 26 इंच पे निशान लगा के और इस भाग को काट के निकाल देंगे, और इसमें कपड़ा ज़्यादा होने की वजह से इस साइड में इसमें कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रस्सी हमने डाल दिया है और इसको टाइट बांध लेंगे। इसको जब टाइट बांधते हैं तो खूब अच्छे से यहाँ पे चूनट बन के आ जाता है। ये हमने टाइट बांध दिया है, एक्स्ट्रा भाग को काट के अलग कर लेंगे, और जो थोड़ा सा भाग बचता है उसको अंदर डाल देंगे। आपके पास इस तरह की डोरी हो तो डोरी का इस्तेमाल कर लीजिए, या कोई भी आपके घर में रस्सी डोरी हो उसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर ये गिफ्ट पैकेट पे बंधा हुआ रिबन आता है, या फिर मिठाई के डिब्बे पर भी ये रिबन बंधा हुआ आता है, उसको आप उठा के रख लीजिए, और इस तरह की तकिया में या इस तरह पिलो कवर है या
कहीं भी इसका यूज़ अच्छे से किया जा सकता है। पिलो कवर आप बनाएं तो इसको उल्टा साइड में ऐसे करके इधर जिधर लिखा भाग होता है या कोई डिज़ाइन होती है इसके अपोजिट साइड का आप लगा के इसको डेकोरेट भी कर सकती हैं। आप चाहें तो इस पर भी इस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका नाड़ा डाला हुआ है, इसमें रस्सी डाली हुई है इसका, इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप इस कवर को और सुंदर बनाने के लिए इस पर वाइट या येल्लो इसके कंट्रास्ट कलर लेके कपड़े को लेके और पैचवर्क से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। पैचवर्क से कैसे डेकोरेट किया जाएगा ये मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी, या फिर पतला लेस लेके उसको भी लगा के दोनों साइड में लगा के उसको डेकोरेट किया जा सकता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के लिए और नए नए हुनर के लिए आप हमारा चैनल मुस्कान हुनर आर्ट ज़रूर देखें। थैंक यू।